बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आई एम ज़ैनब फातिमा योर साइंस टीचर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 13 दैट वाज द रॉक्स द रॉक साइकिल एंड वेदरिंग हमने इस टॉपिक के हर हिस्से को काफी डिटेल में पढ़ लिया बिल्कुल लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे कि रॉक्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स हमने उसके बाद देखा सेडिमेंट्री रॉक्स को और आज हम एक और तरह के रॉक्स को पढ़ने जा रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म मतलब अपनी ओरिजिनल फॉर्म से अगर वो चेंज हो जाए तो उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक हमने जो पहले दो रॉक्स पढ़े दैट वो सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स उसमें क्या होता है इग्नियस रॉक्स तो के बाद बनते हैं जब लावा जो है वो कूल cool डाउन कर जाता है जबकि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बनते हैं हेल्प ऑफ सेडिमेंट मतलब जब बड़े रॉक्स टूट जाते हैं टूट के छोटे फ्रेगमेंट्स बनाते हैं इन छोटे फ्रेगमेंट को हमने कहा सेटिमेंट क्योंकि ये सेटल डाउन कर रहे थे एट डिफरेंट प्लेसेस अब ये दोनों रॉक्स जब बन जाते हैं तो क्या होता है many sedimentary and igneous rocks are being subjected to different conditions ये डिफरेंट कंडीशंस से गुजरते हैं मतलब अपनी एनवायरनमेंट में भी और अगर ये अर्थ के नीचे हो तब भी कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर सिंस दे वर फॉर्मड जब भी ये रॉक बनता है अपने बनने से लेकर अपने टूटने तक ये डिफरेंट कंडीशंस को फेस करता है फॉर एग्जांपल ये चार डिफरेंट सीजन को फेस करेगा विंटर समर ऑटम स्प्रिंग अब सब में इसकी कंडीशन डिफरेंट होगी कभी बारिश होगी कभी बहुत ज्यादा गर्मी कभी बहुत ज्यादा ठंड मतलब ये डिफरेंट कंडीशन में से गुजरता है और जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब इस पर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा और बिल्कुल इसी तरह जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तब भी इस पर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमने देखा दे आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जब एक सिंपल रॉक मतलब या तो सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक डिफरेंट कंडीशन में से गुजरता है तो गुजर के वो बनाता है इट प्रोड्यूसे नुप ऑफ रॉकस कॉल्ड द मेटामोफिकॉफिक रॉक्स बनाता है मतलब अपनी ओरिजिनल शेप या अपना ओरिजिनल टेक्सचर कैरेक्टरिस्टिक्स जब चेंज कर लेगा तो हमारे पास एक नई तरह की रॉक बनेगी और उसको हम कहते हैं मेटामोफिक रॉक्स तो अब मैंने आपको बता दी एक और टाइप रॉक की दोबारा में रिवाइज करती हूँ आपके लिए दैट मेटामोफिक रॉक्स आर सच रॉक्स दैट चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एन ओरिजिनल रॉक हमने पहले तो रॉक्स पढ़े थे सेडमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स जब ये रॉक्स डिफरेंट कंडीशन से गुजरते हैं मतलब डिफरेंट प्रेशर से या डिफरेंट टेम्परेचर से गुजर के आगे जाते हैं तब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और चेंज होके एक नए तरह का रॉक बन जाता है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक तो यहां मैंने आपको बता दिया रॉक्स क्या होते हैं मगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ ताकि हमें ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहे तो यहां आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखी है मैंने रॉक कैन बी चेंज्ड व्हेन वेरी हॉट मैग्मा इज पुश्ड इनटू इट This is called an intrusion. अगर हम रॉक की सिंपल एग्जाम्पल ना भी लें मतलब हमारी इनवायरमेंट की एग्जाम्पल ना भी लें तो आपको याद होगा इग्नियस रॉक्स बन रहे थे तब स्टार्ट हुआ था विद हेल्प ऑफ मैगमा हमारे अर्थ के क्रस्ट के बिल्कुल सेंटर में मैंटल मौजूद है मैंटल में मैगमा मतलब मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स मौजूद है ये मैग्मा जो है वो इग्नियस रॉक्स को फॉर्म करता है कैसे जब मैग्मा अपने इर्द गिर्द के रॉक को गर्म करके क्रैक करके तोड़ देता है तोड़ के वो अर्थ के सरफेस की तरफ आता है तब अर्थ के सरफेस पे आके जब ये कूल डाउन होगा तब हमारे पास इग्नियस रॉक्स बनेंगे अब वापस पीछे जाएं और देखें कि उस मैग्मा के इर्द गिर्द जो रॉक्स मौजूद थे जिसको उस मैग्मा ने क्रैक किया वो कौन से रॉक्स थे वो थे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स थे जो सेटल डाउन कर गए हमारे इसको कहते हैं इंट्रूजन इंट्रूजन का मतलब ये है रॉक कैन बी चेंज वेरी हॉट मैगमा इज पुस्ट इन टू इट रॉक अगर चेंज कर जाए अपनी किसी प्रॉपर्टी को इस वजह से क्योंकि उसके अंदर बहुत गर्म मैग्मा ने स्ट्राइक किया है या वो बहुत गर्म मैग्मा के साथ एक्सपोज हुआ है मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स के साथ एक्सपोज हुआ है इस वजह से वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर ले इसको हम कहते हैं इंट्रूजन इंट्रूजन दो तरह की होती है या तो छोटी होगी या बड़ी स्मॉल और लार्ज अगर तो इंट्रूजन बहुत स्मॉल है मतलब मैग्मा ने बहुत कम किसी रॉक को रीच किया है तब ये होगा कि इट विल नॉट इफेक्ट इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंट्रूजन होती है मतलब हमारा मैग्मा जो है वो अर्थ के सरफेस तक जा रहा है मगर उसमें इतनी अभी ताकत नहीं है कि वो एक बड़ा या तो एक्सप्लोजन कह सकते हैं हम या कह सकते हैं कि वो कोई बड़ा रिएक्शन नहीं कर रहा जिसको हम कह रहे हैं स्मॉल इंट्रूजन इस वजह से ये होता है कि इर्द गिर्द के रॉक्स डिस्टर्ब नहीं होते अगर तो हीट सिर्फ उसी रॉक तक रहती है उस, उसी के पास रहती है तो दैट इज स्मॉल इंट्रूजन अगर तो इंट्रूजन बड़ी होगी मतलब हमारा लावा बहुत ज्यादा गर्म है बहुत ज्यादा एनर्जी और प्रेशर के साथ सरफेस की तरफ मूव कर रहा है तो वो होगी लार्ज इंट्रूजन उससे ये कि इर्द गिर्द जो सराउंडिंग रॉक्स हैं, उन तक भी हीट पहुंचेगी एक रॉक जो क्रैक हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होकर वो मेटामॉर्फिक रॉक नहीं बनेगा जो क्रैक हो रहा है रॉक वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द मैग्मा गरम लावे से उसका इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया है कि वो क्रैक कर जाएगा अब ये है लार्ज इंट्रूजन लार्ज इंट्रूजन की वजह से इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग रॉक्स हैं उन तक भी हीट पहुंचेगी जब वहाँ हीट पहुंचेगी तो इसका बिल्कुल वही हिसाब होगा जैसे हम किसी अवन में केक को बेक करते हैं बिल्कुल इसी तरह हमारे ये रॉक्स भी बेक होंगे आइए देखते हैं कैसे आपके सामने मौजूद है एक डायग्राम जिसमें मैंने बताया कि इस तरफ मैग्मा मौजूद है मैग्मा के ऊपर जो पत्थर मौजूद है वो है लाइमस्टोन जिसका हमने जिक्र किया था इसे पिछले लेक्चर के एंड पे कि लाइम स्टोन इज ए टाइप ऑफ सेंटिमेंट्री रॉक मगर ये यूनिक होता है क्योंकि ये बनता है एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ डेपोजिशन या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब आपने देखा कि लाइम मौजूद था मैग्मा के ऊपर की तरफ और मैग्मा के बिल्कुल साइड पे मतलब हम कह सकते हैं इर्द गिर्द मौजूद था सैंडस्टोन फॉर एग्जाम्पल ये मैग्मा इस ऊपर वाले पत्थर को क्रैक करता है और ये एक लार्ज है क्रैक तभी होगा जब एक लार्ज इंट्रूजन होगी इसका मतलब कि मैग्मा ऊपर वाले पत्थर को क्रैक करता है और ये पत्थर जो है ये क्रैक होने के अलावा ये करेगा कि अपने इर्द गिर्द के जो मौजूद पत्थर हैं उन तक हीट पहुंच जाएगा हीट पहुंचाने से जब लाइमस्टोन में बेकिंग होगी तो हमारे पास बनेगा मार्बल जिसका आपने बहुत सुना होगा मार्बल की टाइल्स लगती हैं आपके घर के फर्शों पे ये वही मार्बल है जो यहाँ बन रहा है लाइमस्टोन के एरिया में लाइमस्टोन को हम कह सकते हैं अवन है बेकिंग की हीट दे रहा है हमारा मैग्मा और जो पत्थर बन रहा है दैट इज मार्बल उसके बाद आते हैं मैग्मा के साइड पर मौजूद पत्थर सैंडस्टोन की तरफ सैंडस्टोन भी वही काम करेगा जो लाइम ने किया सैंडस्टोन एक अवन की तरह गर्म होगा और गर्म होके वो बेक करेगा क्वार्टजाइट को क्वार्टजाइट भी हमारे पास एक पत्थर है बिल्कुल सिमिलर टू मार्बल क्वार्टजाइट बन रहा है इन द एरिया ऑफ सैंडस्टोन तो आपने यहाँ देखा कि दो तरह के स्टोन्स थे लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन दोनों ने अलग अलग एरियाज को कवर किया हुआ है जब मैग्मा क्रैक करके अपने इर्द गिर्द के स्टोन को बाहर जा रहा है तो सराउंडिंग में मौजूद जो स्टोन है या फिर रॉक्स है विच आर लाइम स्टोन एंड सैंडस्टोन, स्टोन उन तक हीट पहुंच रही है और एक बेकिंग हो रही है उस बेकिंग में बन रहे हैं दो न्यू किस्म के रॉक्स, आर मार्बल एंड क्वाटाइट तो इस तरह बनते हैं हमारे पास मेटामोफिक रॉक्स फॉर एग्जाम्पल दिस लाइम स्टोन वॉज ओरिजिनली अटिमेंट्री रॉक मगर जब इसको हीट मिली तो इसके पास बन गया मार्बल ज अटामोफिक रॉक एक से के क्या तो यहाँ हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामोफिक रॉक्स नंबर वन देर एक्सट्रीमली हार्ड रॉक्स ये रॉक्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक रॉक को बहुत ज्यादा हीट करने से बनते हैं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड पत्थर होते हैं अपेरेंस जो है वो स्पॉटी होती है मतलब इनके ऊपर स्पॉट्स मौजूद होते हैं निशान मौजूद होते हैं क्यों ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स इनसाइड देम वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर नए तरह के मिनरल्स बन रहे होते हैं मैंने आपको बताया था कि रॉक्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। ये मिनरल्स मजीद रॉक्स को बनाने के काम आते हैं यहां पर क्योंकि नए मिनरल्स बन रहे हैं इसलिए वो स्पॉट्स की शक्ल में हमें नजर आएंगे और हम कहेंगे कि मेटामोफिक रॉक्स की एक स्पॉटी अपेरेंस होती है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है द टाइप ऑफ रॉक डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द मैग्मा एंड द रॉक अब किस तरह का मेटामोफिक रॉक बनेगा वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि कितने एरिया पर हीट पहुंची है और कितनी हद तक या कितनी ज्यादा हीट पहुंची है हमारे रॉक तक हीट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मैग्मा विच इज सोर्स एंड द रॉक जो कि हमारी डेस्टिनेशन है या फिर हमारा टारगेट है जिस तक हीट पहुंचानी है तो किस तरह का मेटामोफिक रॉक बनेगा ये डिपेंड करता है कि कितनी हीट मैग्मा ने रॉक तक पहुंचाई है और कितने एरिया तक ये हीट पहुंची है तो ये थे हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स और अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गौर से सुनिएगा। इमीडिएटली नेक्स्ट टू द मैग्मा इट हैज क्रिस्टल्स दैट आर वेरी क्लोज टूगेदर सबसे बेहतरीन मार्बल हमें मिलता है बिल्कुल मैग्मा के साथ वो इसलिए क्योंकि वहां पर उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है और मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है हीट से मतलब अगर कोई चीज मैग्मा के बिल्कुल साथ होगी तो पूरी हीट उस तक पहुंच जाएगी अगर वो दूर होगी तो बिल्कुल उसकी थोड़ी सी जगह पर थोड़ी सी हीट पहुंचेगी और वो मार्बल जो है वो इस मार्बल से बुरा होगा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा कम अच्छा होगा यहाँ लिखा है होने का मतलब यही होता है कि बीच में एयर स्पेसेस मौजूद नहीं है इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं या क्रिस्टल्स हैं वो बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ। इन मेकिंग इस तरह का जो मार्बल होता है वो इस्तेमाल किया जाता है स्टैचूज बनाने में क्योंकि ये बेहतरीन किस्म का मार्बल होता है अब ये लेक्चर भी मैं एंड करूंगी विद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आइए देखते हैं वो फैक्ट क्या है सो डिड यू नो

रोड फॉर्मेशन पे पूरी रोड फॉर्म करने के लिए ये यूज नहीं होता मगर अगर ऑलरेडी मौजूद जो हमारी सड़क है वो डैमेज हो जाए उसमें क्रैक्स आ जाए या उसके थोड़ा सा सरफेस खराब हो जाए तो उस पर चिपिंग करना मतलब उसके पैचेस को जोड़ने के काम आते हैं हमारे मेटामोफे रॉक्स तो ये था एन इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर हम कह सकते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटामोफिक रॉक्स उम्मीद है आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक की अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज